की पूर्ति करने को, उस देय की पूर्ति करने को। दिन रात मशीनरी चलती है, दिन रात मशीनरी चलती है। कोई अंग शरीर का काटे, कोई अंग शरीर का काटे, तो जैसा दुख होता है, तो जैसा दुख होता है। तन माया में लिपटा हुआ, तन माया में लिपटा हुआ, अज्ञाशक्ति में डूबा है, अज्ञाशक्ति में डूबा है। तन माया में लिपटा हुआ, तन माया में लिपटा हुआ, अज्ञाशक्ति में डूबा है, अज्ञाशक्ति में डूबा है। शुद्ध ज्ञान से जगमग प्रज्ञा से, 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 स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है, स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है। कोई अंग शरीर का काटे, कोई अंग शरीर का काटे, तो जैसा दुख होता है, तो जैसा दुख होता है। शुद्ध ज्ञान से जगमग प्रज्ञा से, शुद्ध ज्ञान से जगमग प्रज्ञा से, स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है, स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है, स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है, स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है। सरल है ना? ओ, थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया? कोई अंग कष्ट का काटे, काटा है तो जैसा दुख होता है, वो तो सबको अनुभव है ना? है? थोड़ी सी ब्लेड भी लग जाती है तो भी दुख हो जाता है ना? हाँ। बर्तन गर्म है, गलती से छू लिया, है दुख होता है ना? कोई अंग शरीर का काटे तो जैसा दुख होता है, ऐसे भौतिक चीज हानि में परिग्रह क्या है?
दिखता है। ऐसे भौतिक, भौतिक मतलब विनाशी, जितनी भी चीज वस्तुएं इस जगत के अंदर है उसका जब नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तब पता चलता है परिग्रह क्या है, दिखता है। परिग्रह का मतलब जो हमारा है नहीं फिर भी उसको, जो है नहीं मगर हमने एक है, त्रिपोई टूट जाए तो क्या होगा? मेरा त्रिपोई टूट गया तो क्या होगा तेरे को? दुख होगा। भौतिक चीज का जब नुकसान है तब दिखता है, परिग्रह दिखता है। वो बगल वाले का त्रिपोई टूटेगा तो तेरे को कुछ होगा? क्यों? हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। तो जो मेरा नहीं है उसको हम मेरा मानते हैं, वो परिग्रह है, और परिग्रह की वजह से दुख होता है, समझे? ममता हो जाती है ना, एक छोटी सी पैन होती है, 2 रुपये की होती है, ज्यादा नहीं, मगर वो गलती से कहीं रख देते हैं और मिलती नहीं है, समझे? तो भी क्या होगा? दुख होता है, है? दुख होता है, होता है। किसने लिया, किधर रखा? मेरा पैन है, मेरे पूछे बगैर नहीं लेना है, होगा कि नहीं होगा? तो परिग्रह की वजह से हमें दुख होता है और तब हमारा परिग्रह दिखाई देता है। क्या होता है परिग्रह? दिखाई, हाँ, परिग्रह का मतलब है जो मेरा नहीं है फिर भी उसे हम मेरा मानते हैं, वो परिग्रह है। आप इसका यूज कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, समझिए, मगर हम मेरा मानकर बैठ जाते हैं। आगे चले, सब राग का होता है कभी अंत, द्वेष से बढ़ते जन्म अनंत। सब राग का होता है कभी अंत, किसी के भी प्रति जब हमें राग होता है, राग उसका अंत आता है। अंत आता है मतलब क्या? वो द्वेष में परिवर्तित होते हैं। मेरी बहन है मगर झगड़ा होगा उसके साथ तो कहाँ गया राग? मेरी बहन करती थी तू तो। राग का होता है कभी अंत, द्वेष से बढ़ते जन्म अनंत। द्वेष, राग का परिणाम द्वेष में आता है और द्वेष का परिणाम राग में आता है, वैसा वर्षा है। द्वेष से बढ़ते जन्म अनंत, द्वेष से बैर बन जाता है, उससे क्या हो जाता है? हाँ, और ये संसार में बैर की वजह से हमें भटकना पड़ता है। ये जितनी भी फाइलें हैं उसका फाउंडेशन क्या है?
टरा करना है, मतलब ऐसा व्यवहार कीजिए कोई भी जीव के साथ बैर बंधन न हो। एक ही घर में मिलना हुआ है, क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं है, बैर है। जो बदलता है तो द्वेष हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? होता है, हो जाता है। द्वेष से बढ़ते जन्म अनंत, और राग और द्वेष का मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज? अज्ञान। अज्ञान उसका रूट कॉज है। अब जैसे ही ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमें मैं शुद्धात्मा हूं यह लक्ष्य बैठ जाता है, फिर राग द्वेष नहीं रहा, फिर क्या हो गया? फाइलों का संभाव से निपटारा। राग नहीं रखना, जहां द्वेष है वहां द्वेष नहीं रखना। अब कब उसका जो बैलेंस है, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अकाउंट खत्म करना है यहाँ ही। इसलिए संभाव से निपटारा करना है। संभाव से निपटारे का मतलब है कौन सही है, कौन गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो हमें देखना नहीं है। किसी से बहस, ज्यादा बहस जो है वो सच साबित करने में है, समझे? तू मैं सच्ची हूं ऐसा साबित करती है, ये बड़ी बहन है वो साबित करेगी मैं सही हूं, और उसमें ही सबसे ज्यादा राग द्वेष होते हैं, होते हैं ना। तो अज्ञान किस बात का अज्ञान है? तो कि मैं कौन हूं वो जिसने जाना नहीं है। सेल्फ का रियलाइजेशन हुआ नहीं है उसे अज्ञान कहा जाता है, ठीक है? हाँ, बीच में किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो द्वेष से बढ़ते जन्म अनंत, ममता की रेशम डोरी से मन मेरा कह के लपड़ा है। ममता की रेशम डोरी से, डोरी रेशम होती है तो अच्छी लगती है, ममता हमेशा हमें रुलाती है। क्या करती है? रुलाती है। जैसे ये माता पिता है, मेरी लड़की, मेरी बेटी, प्यारी बेटी करके करके बड़े करते हैं, फिर शादी हो जाती है तो ससुराल जाना होता है, माता पिता को बहुत खुशी होती है ना, समझे? एक और खुशी भी है कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो रही है, मगर इतने साल से मेरी लड़की मेरी बेटी करके जो ममता, और होगा कैसा लड़का मिलेगा, सास कहता है ममता, मेरी बेटी दोनों देखने का, शुद्धात्मा देखेंगे दुख महसूस नहीं होगा, समझे? करने का ही है, वही वही उनका
मन मेरा कह के लपटता है, मन लपट है? उसके उसके अंदर ही आ जाते हैं, हाँ उसके अंदर ही घूमता रहता है, उसके अंदर ही घूमता रहता है, लपटता है। जैसे कोई अच्छी सीरियल हमें पसंद है तो सीरियल शुरू होने का जो टाइम है उससे आधा घंटे पहले मन उसके अंदर ही लपटता रहता है, है कि नहीं है? उसमें ही रहेगा। आप खाना खाएंगे, घर का काम काज करेंगे, सफाई करेंगे, मगर मन तो उधर लपटा हुआ है, कल जल्दी 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 खत्म करो, अभी भी शुरू होगा, ऐसा लपटना लपटता है। अब आगे ले, ठीक है। आसक्ति जमकर बढ़ती है, संघर्षण बुद्धि रचती है, संघर्षण बुद्धि रचती है, आशक्ति आशक्ति हमेशा रुलाती है, आशक्ति प्रेम और आशक्ति दोनों में बहुत अंतर है। आशक्ति क्या? बहुत प्यारी, बहुत नजदीकी सहेली है, समझे? तो आपको उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। अगर वो एक दिन नहीं आएगी ना तो तेरे को कुछ अजीब सा लगेगा, समझे? आसक्ति, समझ रही है ना? हाँ, आसक्ति, आसक्ति जमकर बढ़ती है, संघर्ष रचती है। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, उसे आसक्ति कहते हैं, समझे? झगड़ा हो गया तो आसक्ति कम हो जाएगी, हमें इससे बात नहीं करना है। पहले उसके बगैर चैन नहीं था, अब इसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आसक्ति कभी बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है, वो आसक्ति है। संघर्षण बुद्धि रचती है, संघर्षण होता है, समझे? और पूरी जिंदगी का घर्षण बुद्धि क्यों रचती है? इसको अच्छे ड्रेस बनवाए, मेरे नहीं बनवाए, कभी होता है ऐसा? बहुत बार होता है। मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है घर के अंदर, इतना काम करती हूँ, इतना घर का ख्याल रखती हूँ, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। होता है, नहीं होता है कभी? होता है, मगर ऐसा माता पिता को ऐसा नहीं होता है कभी। बच्चे मगर कौन बताया है बुद्धि, समझे? मेरे लिए नहीं रखा, और छोटी को सब दे दिया, वो सब खा गई, मैं याद नहीं आई। और मम्मी भी क्या कहेगी, अरे वो तो छोटी है, तू बड़ी है, तू नहीं समझती क्या? हर एक बात में ये होगा। आप तो ये संघर्ष बुद्धि रचती है, बुद्धि रचती है। उस ध्येय की पूर्ति करने को दिन रात, उस ध्येय की पूर्ति कर, माता पिता का जो जीवन है वो अपने बच्चों के लिए होता है, बच्चों की सुख शांति, उसके जीवन अच्छी तरह बीते, उसी में ही दोनों का जीवन बीत जाता है। जितना वो लोग अपना ख्याल नहीं करते हैं, उससे ज्यादा आप लोगों का करते हैं, समझे? वो कोई भी चीज है वो बोलेंगे हमको चलेगा,
इनको नया ड्रेस ला दो बस, ये बात है। दिन रात मशीनरी चलती है, मतलब पति पत्नी बच्चों का मोह पूरा करने में पूरा जीवन बीत जाता है, कभी अपना ख्याल नहीं करते हैं। आपकी कौन सी कमी है वो उसको दूर करने में लगे हुए, समझ में आ रहा है? हाँ, पूछना है कभी? हाँ, तन माया में लिपटा हुआ। माया का मतलब क्या है? जो है वो हमें नहीं दिखाई देता है, और जो नहीं है वो हमें दिखाई दिखता है, वो माया है। माया, तन माया में लिपटा हुआ, अज्ञान शक्ति में डूबा है, अज्ञान शक्ति। अज्ञान शक्ति जो है वो संसार में से बाहर नहीं ले जाती कभी भी, मगर मैं शुद्धात्मा हूं तो अज्ञान शक्ति विदाई लेती है, और प्रज्ञा शक्ति प्रकट होती है। ज्ञानी की कृपा से ही प्रज्ञा शक्ति प्रकट होती है। अब प्रज्ञा शक्ति क्या करवाती है? तो कि फाइलों का संभाव से निपटारा करके शुद्धात्मा के पद के अंदर हमें जो स्थिर करती है वो प्रज्ञा शक्ति का ये काम है, समझे? हाँ जी। तो तन माया में लिपटा हुआ, तन विनाशी है कि अविनाशी है? शरीर विनाशी है, यदि उसे हम मेरा मेरा मेरा, विनाशी का मतलब क्या है? विनाशी का मतलब चले जाए, आयुष्य कर्म ही चलता है बाद में, कैसे हैं ये परमानेंट है, उस मेरा 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 डूबा है अज्ञान शक्ति के अंदर। इस संसार की विनाश आत्मा जैसी कोई परमानेंट चीज नहीं है, अभी डूब गया ना, जैसे पानी में कोई आदमी हुआ, आदमी को आत्मा के बारे में उसे भी कुछ दिखाई देता माया की वजह से, की ज्ञानता वो माया है। क्रोध मान अभी जो बात हुई ना, शुद्ध ज्ञान जगमग है, तो कि आत्मा अनंत शक्ति वाला है, उससे जो शक्ति अलग होती है एक, वो प्रज्ञा शक्ति है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि लड्डू क्या है? पूरा खाया नहीं है, थोड़ा प्रसाद ही दिया, सभी गुण वो थोड़ा सा प्रसाद में भी है, है कि नहीं है? है। तो वो प्रज्ञा शक्ति है, आत्मा में से प्रकट हुई जो अलग शक्ति है वो प्रज्ञान शक्ति कहते हैं। और प्रज्ञान शक्ति का दो काम है, फाइलों का संभाव से निपटारा करना और शुद्धात्मा के अंदर स्थिर होना। कोई फाइल नहीं है तो शुद्धात्मा में रहना है, और जब कोई फाइल आती है समझे तो उसका संभाव से निपटारा करना है। कि दो काम है, जैसे आत्मा स्वपर प्रकाशक है वैसे प्रज्ञा शक्ति भी, दोनों व्यू पॉइंट का जो एक ही पॉइंट का क्या करेगी,
धर्म नाम खुशबू है ना, खुशी। तो मैं खुशी ही हूं, ये पहले रॉन्ग बिलीफ थी, उसे ही मानते हैं मैं ही खुशी हूं, तो वो अज्ञान मान्यता है। तो अज्ञान मान्यता में से छूटना उसे ज्ञान कहते हैं। बंधन अज्ञान मान्यता से है। पिताजी ने आपको नहीं बांधा है, माताजी ने भी आपको नहीं बांधा है, बहनों ने भी आपको नहीं बांधा है, ये मकान ने भी आपको नहीं बांधा है, बिजनेस ने भी आपको नहीं बांधा है। हम हमारी अज्ञान मान्यता से ही बंधे हुए हैं। ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, समझे? इसको पहला मोक्ष कहते हैं, समझे? और जैसे जैसे फाइलों का संभाव से निपटारा होता है तो शुद्धात्मा का अनुभव बढ़ता जाता है, और अंत में जन्म मरण से जब मुक्त होते हैं तो वो अंतिम मोक्ष है। शुद्ध ज्ञान से, जगमग प्रज्ञा से स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है, समझे? स्थूल सूक्ष्म, स्थूल माने ये आंखों से दिखाई देने वाला जितना भी है वो परिग्रह है, वो है नहीं। अभी तो मानती है मेरा घर है, ये बहुत अच्छा घर है, ये मेरा बेड है, समझे? सब मेरा मानती है, मगर जैसे शादी हो जाएगी रहेगा कुछ नहीं, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। सूक्ष्म भी परिग्रह छूट, ज्ञानी उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा परिग्रह वाणी ऐसा होता है ना, मेरा के अंदर जो भी जैसे तेरे को कोई काम अभी मम्मी बनने में आवाज लगाएगी, क्या कर रही है? अरे ये स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर देगी। तो ये सूक्ष्म में है, समझे? तो स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूट जाता है, छूट जाता है शुद्ध ज्ञान से। छोड़ने से कोई छूटता नहीं है, अपने से हम छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मगर जगत के अंदर कैसा है, ये सब चीज वस्तुओं को परिग्रह कहते हैं। कितना बड़ा बंगला है उसको परिग्रह कहते हैं, वो है परिग्रह मगर वो स्थूल परिग्रह है, वो इतने परेशान नहीं करते हैं जितना मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी वाणी, वो सबसे बड़ा परिग्रह है। और वो परिग्रह है वो मालूम भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वाणी जो है ना वो सबसे बड़ा परिग्रह है, मेरी वाणी, कितने लोग सुनने आते हैं, मैं कितना बढ़िया सत्संग करता हूं, आपको कैसा लगा, ये वाणी का परिग्रह है। क्या है? इसलिए दादा भगवान ने एक बहुत बड़ी बात बताई, वाणी टैप रिकॉर्डर है। क्या कहा? टैप रिकॉर्डर है, मतलब कोई बोल सकता नहीं है, सिर्फ अहंकार करता है कि मैंने बोला, समझे? हमारे जीवन के अंदर भी जब हम देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा
जहां हम कुछ बोलने के लिए जाते हैं, अभी उसको आने दो, मैं उसको भी अभी अभी आने दो ना उसको, मैं इसको बराबर समझा देता हूँ, क्या समझती है मेरे मन, सब ऐसा सब करते हैं समझे, मगर जैसे ही वो आते हैं हम बोल नहीं पाते कुछ समझे। और कभी हम ऐसा तय करते हैं कि अभी कुछ उससे बात ही नहीं करना है, कुछ बोलना ही नहीं ना, बस सिर्फ सुन लेने का है, नहीं बोलने का तय करते हैं तो भी वहां बोल देते हैं, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा साइंस वाणी का, जो सूक्ष्म है और स्थूल भी है। वाणी के दो प्रकार है, एक सूक्ष्म भीतर चलती है समझे, 95% वाणी भीतर चलती है और 5% वाणी जो है वो बाहर आती है। तो 5% बाहर आती है, इसमें तो इतना भूकंप हो जाता है हो जाता है ना, हो जाता है बहुत सी जात, अब देखना ना तेरे को पता चलेगा समझे। यहाँ अभी काम बहुत ज्यादा है तो तू नीचे दुकान में चली जाएगी, उधर अच्छा है, उधर जाके बैठेंगे, मैं भी आता हूँ वो डैडी के पास बैठती हूँ थोड़ा, उधर काम है तो यहाँ का जो भी काम है ये लोग निपटाते रहेंगे, तू उधर आराम से बैठेगी, होता है ना। स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है, छूट जाता है, इसलिए बुलाते हैं ना, मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं, मन से भी अलग हूं, वाणी से भी अलग हूं और काया से भी अलग हूं, ऐसा हमारा स्वरूप है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। ये जो कविराज नवनीत जी ने जो भी पद की रचना की है वो सब दादा भगवान की ही वाणी है, उसमें उनका एक भी शब्द नहीं है। इसलिए जैसे जैसे इसको हम शुद्ध योग पूर्वक गाते जाएंगे इतना आनंद आएगा सुनने का, गाने का आनंद आता है, क्योंकि ये हमारी ही भक्ति है। और जैसे जैसे हम गाते जाते हैं दादा भगवान के बारे में, ज्ञानी पुरुष के बारे में, आप तो पुत्रों के बारे में, महात्माओं के बारे में, सिमंदर स्वामी परमात्मा के बारे में, हर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके पर कवि ने पद नहीं लिखे हो, सब आ जाता है। और दादा भगवान इस पद को ही सत्संग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पद गा लिया सत्संग हो गया, ऐसा है। माया जो है वो दिखाई नहीं देता है, और जो नहीं है वो दिखाई देता है, वही माया है। जैसे क्षितिज है ना, क्षितिज मालूम है, बहुत दूर से आप देखेंगे ना ये समुद्र के किनारे जब जाएंगे तो दूर से तेरे को ऐसा दिखाई देगा कि ये सूर्य है और ये धरती है, कोई ऐसा एक पॉइंट है जहाँ दोनों मिले हुए हैं, मगर वास्तव में ऐसा होता है, मगर दिखाई देता है ना हमें, उसे क्षितिज कहते हैं। गुजराती में क्या कहते हैं? क्षितिज।
झांझवाना नीर कहते हैं। झांझवा के नीर कैसे होते हैं, आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पानी है, जो डेजर्ट होता है ना, रण, रण के अंदर सूर्य की गर्मी से, उनके प्रकाश से जो रेत होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है, और आदमी को ऐसी भ्रांति खड़ी होती है कि यहाँ पानी है, मगर है नहीं। ज्यादा प्यास लगती है तो वो दौड़ेगा तो और प्यास लगेगी, पानी भी दौड़ेगा, पानी भी आगे दौड़ेगा क्योंकि है ही नहीं, भ्रांत माया है, क्या है, दिखाई देता है मगर है नहीं, समझिए। प्रेम दिखाई देता है, जैसे अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपकी बहुत प्यारी सहेली है, समझे, मगर जैसे ही 12वीं कक्षा हो गई तो दूसरी कॉलेज में चली गई, वो दूसरी कॉलेज में चली गई, फिर परिचय नहीं रहा तो कोई किसी को याद करता है, हो जाता है ऐसा माया। और सबसे बड़ी माया है स्वरूप की अज्ञानता। खिड़की खुली है, थोड़ा सा पवन चल रहा है, अंधेरा है, तो है क्या नहीं। साफ होगा तेरे मन में, अंधेरा है ना, पवन की वजह से रस्सी हिलती है, कौन सी माया खड़ी हो जाएगी, सांप की। तो फिर तेरे को खुशी होगी, भीतर क्या होगा, डर लगेगा, मगर वास्तव में सांप है, मगर तेरे को दिखाई दिया ना, तो उसका असर तेरे को हो जाएगा। ये माया है, जो है रस्सी है मगर वो भ्रांति से तेरे को रस्सी, क्योंकि अंधेरा है ना, लाइट नहीं है, तो सर्प सा एक महसूस खड़ा हो जाएगा, तो फिर वहां तो जाएगी नहीं, डर लगेगा। फिर हाथ में एक लकड़ी भी देंगे, घबराती क्यों है, रखो तेरे पास, कुछ नहीं करेगा, मगर नजदीक नहीं जाएगी तो, समझे, मगर जैसे ही लाइट लगा दी, लाइट आ गई मानो, तो रस्सी है, फिर था वो रहेगा कि चला जाएगा, समझे। ये माया है, समझ में आई बात, जो है वो दिखता नहीं है, रस्सी है मगर रस्सी दिखती नहीं है, सर्प दिखाई देता है। तो जैसा हम देखेंगे वैसा इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा, ऐसी बात है, समझ में आई बात। अब हम आपका पुत्र दिन आनंद जी का अनुभव का लाभ लेंगे, वो भी दादा भगवान की सेवा में बहुत रहे हुए हैं, उन्हें भी बहुत लाभ मिला हुआ है, तो आप लोग उनसे भी प्रश्न पूछते रहिए, समझे, तो ये कंसेप्ट और क्लियर होता है, बिना संकोच, कोई भी संकोच नहीं रखना है कुछ नहीं, समझे। और आप पूछते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, मगर इस बात को आप, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। करिश्मा के साथ अच्छा नहीं होता।
झगड़ा बहुत हो जाता है, जल्दी आती है झगड़ा होता है। इसका नाम माया। क्या इसके अंदर जो है वो हमें दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो दिखता है, इसका नाम माया। इसमें भगवान नहीं है, तो फिर क्या दिखता है आपको? करिश्मा दिखती है ना, इसका नाम माया। समझे? हाँ, तब दादा भगवान बताते थे ना कि अंदर ऐसा रहना चाहिए कि उनसे भी मैं छोटी हूँ। क्या रखने का? जैसे दादा बोलते हैं ना कि व्यवहार में हमसे कोई भी जीव छोटा नहीं है, और निश्चय में हमसे कोई भी जीव बड़ा नहीं है। इसलिए व्यवहार में जब छोटा पद नहीं आता है ना, तब तक मुक्ति नहीं होती है। इसलिए जरा कसौट इसलिए व्यवहार में लघु भाव में रहने का, क्या कि मैं इससे छोटी हूँ, ये मुझसे बड़ी है। ऐसा जब रहेगा तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे अंदर है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो प्रॉब्लम है। मुझे करना ही नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है? इसलिए सभी प्रॉब्लम हम खड़े करते हैं, सामने वाले से प्रॉब्लम खड़े नहीं होते हैं, खुद हमारी ओर से पजल खड़े होते हैं, और पजल का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन नहीं होता इसलिए द्वेष मुक्ति खड़ी हो जाती है। इसलिए दादा भगवान ने जब ज्ञान दिया तो हमें वित्त द्वेष बनाया। क्या बताया? वित्त द्वेष, मतलब कि अभी जो पहले द्वेष रहता था ऐसा नहीं रहा, कि जैसे जैसे अभी व्यवहार में समझ रहती जाएगी तो आप भीतर राग होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? द्वेष तो निकल गया, लेकिन अभी राग वितराग होना पड़ता है, वितराग। तो कि द्वेष अभी निकल गया, लेकिन हमारी समझ में अभी द्वेष नहीं निकला है। दादा ने मूल स्वरूप में द्वेष निकाल दिया, इसलिए भीतर द्वेष बनाते हैं हम ज्ञान को देने के बाद। तो अभी वितराग आपको बनने का है। कैसे वितराग बनेंगे? कि करिश्मा तो कुछ करती ही नहीं है, मतलब कि उसको कोई कराने वाला है। क्या है? कौन कराती है करिश्मा को? कौन कराते हैं? कौन कराता है? जोर से बोलो जरा। मन कराता है। आप क्या बोलते हो? कौन कराता है? व्यवस्थित शक्ति करवाती है, या तो उनके कर्म करवाते हैं। इसमें इसकी कोई चलती है? फिर हम क्या, हमारे अंदर क्या रहता है? वो कर रही है, वो ऐसा कर रही है। इसीलिए व्यवस्थित शक्ति अपनी समझ में नहीं है। जो आज्ञा हमें रहनी चाहिए और आज्ञा का जो आनंद आना चाहिए वो आनंद हमें नहीं आता है। इसीलिए जब जब ऐसा अंदर खड़ा हुए तब अंदर आज्ञा का इस्तेमाल करने का, कि उसको व्यवस्थित शक्ति करवा दी है। वो करने वाले नहीं है, वो करना है तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं कर पाते हैं। अंदर दिमाग में होता है लेकिन अंदर हो सकता नहीं है। और कबीरा जी जो संघर्ष शब्द यूज़ किया ना, एक बार होता है इसको घर्षण बोलते हैं। क्या बताया? और बार बार होता है इसको संघर्षण बोलते हैं। समझे? तो कि जैसे पहले अंदर घर्षण चलता रहता है कि ऐसी है कुछ काम नहीं करती है, बैठी रहती है, ऐसा घर्षण चलता है, और ज़्यादा घर्षण हो गया ना तो टकराव में आ जाता है। क्या हो जाता है? अंदर का रूप बाहर आता है, और हमारी ज्ञान जागृति अंदर जो होती है तो उनको समा देती है। क्या करती है? हाँ, अंदर घर्षण तो चलता है लेकिन हम उसको सच्ची समझ देते हैं कि करने वाली नहीं है, कर्म करवाते हैं, व्यवस्थित शक्ति उनको कराती है, ऐसे करके उसको शांत करती है और टकराव में आने नहीं देती है। समझ में आती है बात? इसीलिए अंदर शुद्धात्मा भगवान के दर्शन करने का और उनको व्यवस्थित शक्ति करवाती है। ये दो दृष्टि जब रहेगी
तब उसके पास उसके लिए द्वेष भाव आपको नहीं रहेगा। हमको उतना कुछ उपाय करना पड़ता है ना, इलाज करना पड़ता है। जैसे हमें बुखार आया तो इलाज नहीं करते, ये सबसे बड़ा बुखार है, इसका इलाज करते हैं हम। और इलाज हमारे पास मौजूद है, कौन सा इलाज हमारे पास मौजूद है? दादा का ज्ञान है हमारे पास, इलाज है। वो इलाज ऐसा है जिससे कोई भी अंदर समस्या खड़ी नहीं रहती है, ऐसा सॉल्यूशन एक ज्ञान में समाया हुआ है। सब सॉल्यूशन दादा भगवान ने ज्ञान में ये पांच आज्ञा में रखा हुआ है। और जब आपको कुछ काम करवाने का है, आपको ऐसा रहता है तो अंदर से बोलने का, दादा मुझे फाइल का संभव से निपटारा करने की शक्ति दो। क्या बोलने का? तो आपको जो काम करवाना है वो करेंगे। समझ में आया? कौन चिल्लाते हैं तो कौन किसके पर चिल्लाते हैं? मोनिका के पर चिल्लाते हैं, ऐसे रखो ना। तो मोनिका दा ने ऐसा क्यों कैसा किया है कि इसके ऊपर चिल्लाने की जरूरत पड़ी? पूरी समय फाइन करता है तो क्यों करता है? गलती की है तो पहले हमने कोई गलती की है, इसीलिए आया हुआ है हमारे सामने चिल्लाने का। एक बार चिल्लाने के बाद बोलो अभी आप फिर से चिल्लाओ तो नहीं चिल्लाएगी, क्योंकि जितना लेना देना है इतना चिल्लाएगी। और आपको भी समझने का कि ये मेरी बड़ी बहन है, क्या है? हाँ, और बड़ों का तो विनय रखना पड़ता है ना। जैसे आप स्कूल में जाते हो, टीचर कभी कभी डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? गलती की है बराबर। और आप उसके सामने बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, तो उसके सामने क्यों बोलते हो? ये आपके छोटे हैं इसलिए। समझ में आती है बात? है बहुत समझने का है। और आप जितना जितना विनय रखेंगे, इसको भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट रखा ना आपने इसका, टीचर है मेरे, गुरु है, मुझे पढ़ाई कराते हैं, उनके हिसाब से मुझे पढ़ाई आती है, और मैं नहीं पढ़ूंगी तो इसके आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। सब अंदर श्रृंखला शुरू हो जाती है अंदर। तो ये बहन आपको डांटने के लिए होती है कि आपको हेल्प करने के लिए होती है? हेल्प करने। फिर भी आप गुस्सा करती हो उसके ऊपर, चिल्लाती हो ना, क्यों ज़्यादा चिल्ला खाते हैं इसलिए चिल्लाती है? मैं पहले धीरे से बोलती हूँ, बात करती हूँ, आर्ग्यूमेंट नहीं करती, आप उसकी गलती बताती हूँ, वापस आकर मेरी गलती क्या है, मैं गलती बताती हूँ, वापस आकर मेरी गलती क्या है, तो उस समय वो चिल्ला देती है। इसलिए आने वाले नहीं है, क्योंकि किसी को गलती खुद की दिखती नहीं है ना, दूसरों की गलती दिखती है। लेकिन हमारी कोई गलती बताने वाले मिले तो दादा बोलते उसके पाँव छूने का, क्या कि आपके हिसाब से मेरी गलती देखने का मौका मिला। जैसे राम भगवान तो उसको माता जी बताया कि आपको वनवास में जाना है, तो बहुत चिल्लाए थे ना, बोलते आज्ञा का पालन किया, क्या किया? और बड़ों की आज्ञा में रहना सबसे श्रेष्ठ साधन है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, टकराव हो जाता है ना? एक बार गलती बताया तो बताया, बात बात क्यों पूछने का कि मेरी गलती क्या है? मतलब कि आपको गलती का एहसास ही नहीं है इसलिए बार बार पूछ रहे हो। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट का मतलब हम बहुत खुश होते थे, हमको कोई गलती इस दुनिया में कोई गलती बताने वाला नहीं है, और इसका मैं नहीं करने का। सुधार लिया तो कोई आपको डांटने वाला नहीं मिलेगा। ट्रैफिक लॉ है, इसके लॉ में रहते हो, पुलिस कभी कुछ करती है? कितनी बार जाओ आओ करो आप, फिर भी कुछ नहीं, आपने गलती की तो पुलिस लेकर तो क्या होगा? पुलिस लगाएगा ने, पीछे भी जाएगा ने, गाड़ी का नंबर नोट लेगा ने, और वाउचर पर आ जाएगा।
गलती की, इसलिए पुलिस वाला हमारा ऊपरी हुआ। क्या हुआ? ऊपरी हुआ, बॉस हुआ, नहीं तो हमारे दुनिया में कोई बॉस नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने बताया अपनी गलती ही अपनी बॉस है। क्या बताया? अपनी आपका स्वरूप है। क्या है भगवान? क्या है राम जी? सच्चिदानंद भगवान क्या है? आपका स्वरूप, क्योंकि खुद आप वही हो। लेकिन भगवान को मालूम हो गया है कि मैं कौन हूँ। भगवान को क्या हो गया था कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो भगवान के रूप में है और हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम जीव के रूप में है। क्या बताया? जिसको अंदर भगवान है ऐसी पहचान हो चुकी है, मालूमात हो चुकी है, वो शिव भगवान है। क्या है? शिव भगवान। और इसके अंदर हमारे अंदर भगवान है वो हमें मालूम नहीं है, उनका अनुभव नहीं है, तो हम जीव है। वही जीव शिव होता है। क्या होता है? सच्चे स्वरूप का भान हो जाए कि मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ये हूँ, ऐसा भान हो जाए तो आप खुद ही शिव हो, क्योंकि आपका कल्याण हो चुका। जो खुद का कल्याण होता है वो शिव बोला जाता है। क्या बताया? खुद का कल्याण होता है वो शिव है। अभी हमारा खुद का कल्याण हुआ नहीं है, इसलिए हम जीव के रूप में भटकते जाते हैं। और जीव किसे बोलते हैं? ये जगत के सुखों में सुख लगे इसको जीव बोलते हैं। जगत के सुखों में सुख नहीं है फिर भी सुख लगता है, उसको भगवान ने जीव बताया। समझ में आती है बात? और ये जगत के सुख होते हुए भी, कितने सारे होते हुए भी इसमें सुख नहीं लगता है, सुख भुगतते हैं लेकिन सुख लगता नहीं है। बार बार उसके मगज में भी नहीं आता कि इसमें सुख है, वो शिव भगवान है। क्या है? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा क्यों थोड़ा थोड़ा आया? जैसे समझेंगे तो वैसे आएगा। जैसे आपको बाहर का सुख जो है ना, इसमें सुख लगता है बराबर, इसके अलावा कहीं भी सुख नहीं लगता है, तो आप जीव है। जीव मतलब जन्म वाले और मरने वाले। जिसका जन्म होता है इसका मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? होता है ना। वो हर रोज किस तरफ जाता है? हमारा जन्म होता है, बाद में हर रोज हम किस तरफ जाते हैं? मरने की ओर जाते हैं ना हर रोज, कि उम्र कम होती जाती है? नहीं, मरने की ओर ही जाते हैं ना, मतलब कि श्मशान की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फिर भी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना लोग, खुशी से मनाते हैं, खुशी भी खुशी से मनाती है और लोग भी खुशी से मनाते हैं। क्या होता है? इसलिए अभी जो भी हमें सुख है वो हमारी मान्यता वाला सुख है। कैसा है? माना हुआ सुख है, सच में सुख नहीं है। सच में जो सुख होता तो वो परमानेंट होता, कायम का होता। कैसा होता है? कायम का। ये मोबाइल में तो कायम का सुख होता है नहीं? ज्यादा देखेंगे ना बाद में, रखो अभी कहाँ, छोड़ो इसका मगजमारी। क्या होता है? इसलिए सुख होता तो कितनी बार यूज करो तो अभी आपको सुख लगेगा। लास्ट शुरू हुआ तब से लास्ट तक उसको आपको सुख लगे तब समझना कि सच्चा सुख है। बीच बीच में ब्रेक आ जाए, नहीं अच्छा लगे, तो समझना कि सच्चा सुख नहीं है, माना हुआ सुख है। जैसे हमें बाल काला करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, शादी वादी वगैरह आते हैं तो अच्छी तरह जाते हैं, जवान होकर जाते हैं ना, बाद में जवान मूवी देखना पड़ता है। क्या होता है? जवान होकर जाते हैं फिर भी एक महीने के बाद, दो महीने के बाद वो काला ही रहेगा ना बाल? नहीं, कैसे रहेगा? नहीं रहे। क्यों नहीं रहा? बोलते हैं ना मन की खुशी है, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है। क्या है? थोड़ा समय का हमने लिया हुआ एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट लेते हैं ना, ऐसा लिया हुआ है एडजस्टमेंट है थोड़ा समय का, बाद में नहीं काला हो तो भी चलेगा। कैसे? क्या कोई शादी वादी वगैरह आएंगे, कुछ कहाँ जाना है बाहर तो करेंगे। इसलिए जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मानना, उनको भगवान ने जीव बताया। क्या बताया? हाँ। और जहाँ सुख है वहाँ सुख मानना, वो शिव है। समझ में आया? क्या आया बोलो?
बोलो थोड़ा थोड़ा बोलने का, क्या बताया तू बोल। और जहाँ सुख है वहां सुख मानना वो शिव है, समझे। और जिसका अपना कल्याण हो गया है, कल्याण का मतलब क्या, किसी के लिए भी गलत विचार नहीं आना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, तो समझ लेना कि आप शिव हो गए। ऐसा विचार भी नहीं आएगा, आपको दुख देते हैं उसको भी दुख देने का आपको विचार नहीं आता है, तो समझ लेने का कि आप शिव आ शिव हो गए। शिवरात्रि बोलते हैं ना, कब है, कल है नहीं, शिव रात्रि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रात्रि का मतलब क्या, तो क्या अंधकार, अंधारा फैला हुआ है ना, इसको रात्रि बोलते हैं ना। और यहाँ संसार में अज्ञान को अंधकार बोलते हैं, अज्ञान होता है ना, हमें कुछ दिखता नहीं, अज्ञान की वजह से हमें जो देखना है वो हम देख नहीं पाते हैं, समझे। वो अंधकार को जिन्होंने मिटा दिया है और अपने अंदर का जो प्रकाश है भगवान का खुला किया है और खुद का कल्याण हो चुका है, दूसरों का कल्याण करते हैं, सारे जगत के जहर पीते हैं, वो शिव है। शिव लाइव होना चाहिए, कैसा बोलो, सभी चीज लाइव अच्छी लगती है ना, हैं अपना भाई बहन, पहले शादी नहीं बनाई थी तो फोटो करते थे, कई कई बातें करते थे, ऐसे वो करते थे, जो भी करते थे, बाद में हमें ऐसा होता है कि मिले तो बहुत मजा आएगी, हैं जीवित हो तो अच्छा है सामने, वो फोटो कितने बार देखेंगे, कितने बार इसके विचार करेंगे, और जीवित आ जाए तो आनंद हो जाता है। ऐसे भगवान हमें जीवित मिल जाए तो हमें आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है, समझे। तो कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो कि जगत के लोग जो जो आपको जहर पिरसते हैं वो जहर आप आशीर्वाद देकर पी जाओ, तो भगवान सामने से चलकर आपके घर पर आएंगे, जैसे सबरी के घर पर राम गए थे, वैसे गए थे, वो बोला बहुत बुलाया था नहीं उन्होंने, बहुत खाना पीना अच्छा रखा था सबरी ने, सबरी ने हाँ कि राम आ रहे हैं तो उसके लिए पेड़ा बेड़ा लेकर आऊं, वो तो खुशी से कर रही थी हाँ, लेकिन क्या खाना रखा था उन्होंने, बैर रखे थे, मेरे भगवान को खट्टा नहीं आ जाए, क्योंकि भगवान उम्र में बड़े हो जाते ना तो दांत खट्टे नहीं हो जाए उनके, बड़े हो जाते ना तो हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं, सोच नहीं भावना थी उनकी, क्या थी, मेरे राम मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मीठा फल खाएंगे। इसीलिए एक कलयुग में जहर में इस संसार में बार बार मिलता है, हमारी इच्छा हो कि नहीं हो, लेकिन सब लोग हमें जहर देते ही जाते हैं। कुछ भी आपने अच्छा नहीं किया ना तो वाइफ बोलेगी मैंने आपको भाजी लाने का बोला था लेकर आए, आप भूलते ही जाते हो उसका, हम क्या होते हैं जहर आए कि नहीं आए, तो क्या करने का, आशीर्वाद दे के पी जाने का, आपका अच्छा भला हो कि आज मुझे जहर आया, तो ऐसे करके करते शिव बन जाते हो आप, क्या होता है जहर पीना पड़ता है, वो जहर तो कोई भी पीता है तो मर जाते हैं, लेकिन ये जहर अपमान नाम का जहर, हमें जो पसंद नहीं है वो लोग जो पीरसते हैं वो सब जहर है, हमारा जो कोई भी काम पसंद की का नहीं है वो हमें देते हैं, और हम आराम से खुशी से हम कर लेते हैं, उसके लिए कुछ बिगाड़ते नहीं है, तो आप शिव होते जाते हो, समझ में आता है, क्या बताया, क्या बताया, मानव का जहर आता है तो वो पी लेना चाहिए, अपमान नाम का जहर आता है जो भी आता है हाँ, तो हम जहर पी जाते हैं और देने का आशीर्वाद देने का कि अच्छा हुआ आपने मुझे पता चला कि संसार में रहने जैसा नहीं है, क्या ऐसे आशीर्वाद देकर पी गया तो आप इतने भाग में आप शिव भगवान हो गए, ऐसे करके करते शिव भगवान बन गए थे, पूरे दुनिया का जहर पी गए, क्या किया उन्होंने, जो जो आए जो जो देने आए, हम बोलते हैं ना कि मीरा भाई ने जहर पिया था, तो कैसा जहर पिया था, उनका पति था ना राणा, राणा
पति राना था, बहुत उनको डांटता था, पूरे दिन भगवान के पास पड़ी रहती है, मेरा नाम दोने भगवान का नाम क्यों देती है, क्या बोलते थे, मेरा मैं तेरा पति हूँ तो मेरा नाम दो, मुझे बुलाओ, मुझे याद करो, मेरे पांव छुओ, मेरे सेवा करो। अब तो भगवान नहीं बोलते तो भी इसको सेवा करने जाते हो, और मैं जीवित भगवान हूँ तो वो भी आप मेरी सेवा नहीं करती हो, ऐसा करके डांटते रहते थे पूरे पूरे दिन। तो भी मीरा बाई बोलती थी, आहा क्या जहर दे रहा है, संसार में लोग अच्छा देता तो खुश हो जाते, नहीं साड़ी बाड़ी वगैरह लाकर दे देते हो तो खुश हो जाते हैं, और ऐसा कुछ बोलेंगे तो कुछ डांटेंगे तो नहीं पसंद आएगा, हमारा काम भी नहीं करेगा, बोलेंगे चाय बना के लाओ, सुनेंगे नहीं, पहले तो आपने कुछ बोला था, मुझे तो सुना ही नहीं दिया था, सुना ही देता है तो भी नहीं सुनते हैं, समझे, इसलिए ऐसा जहर आए तो आराम से पी जाने का, कोई हमें बताते हमारी गलती, आराम से जहर समझ कर पी जाने का, तो शिव भगवान जटा वाले बन जाएंगे, जटा तो है आपके पास तो जटा वाले शिव बन जाएंगे कैसे। ये त्रिशूल का उपयोग नहीं करने का, आप त्रिशूल का उपयोग करते हैं ना, त्रिशूल रखते हैं आप, त्रिशूल रखते तो नहीं रखते नहीं है आपके पास ही त्रिशूल है, मन वाणी और का शरीर, ये तण सूर है, सूर सूर मतलब कांटा, वो दूसरे को लगता है ना, हमारे मन से भी किसी को लगता है, वाणी से लगता है, शरीर से कम लगता है काल में, तो कई कई छोटे छोटे वो परिवार होते हैं ना जो बड़ी छोटी ज्ञाति वाले होते हैं, इसमें वो काया का त्रिशूल भी लग जाता है कई कई, तो क्या एक झपट लगा देते हैं क्या अभी तो हम सुधरे हुए हो गए इसलिए वो इतने तक नहीं आते हैं, वाणी तक रुक जाते हैं, क्या होता है पानी तक हमारा त्रिशूल रुक जाता है। तो ये त्रिशूल का जब आप उपयोग नहीं करेंगे, मन वाणी और शरीर का, दूसरों के सब क्या बोलते हैं, दूसरे को मन वाणी काया का उपयोग दूसरों के लिए परोपकार के लिए करेंगे तो शिव बन जाएंगे, और आप परोपकार के लिए नहीं करेंगे और जहर के रूप में करेंगे तो समझे ना का जीव जीव ही रहेंगे, कितनी भी भक्ति करोगे तो भी जीव ही रहेंगे। इस और ये शिव बनने का लाइसेंस मिल जाता है आपको, क्या जैसे हम गाड़ी सीखते हैं लाइसेंस मिल जाता है, कितना बढ़िया मजा आती है, मुझे लाइसेंस मिल गया। तो ये लोग लाइसेंस देते बन जाएंगे आपको, इसलिए ये मन वचन का त्रिशूल कभी भी नहीं उठाने का दूसरों के सामने, क्योंकि जो जो हमारे सामने आता है वो हमारे किए हुए फल का कर्मों का फल आता है, इसमें त्रिशूल उठाने की जरूरत कहाँ है, इसलिए शिव भगवान कभी भी ये त्रिशूल को उठाते नहीं थे क्या, और साथ में डमरू रखते थे, क्या रखते थे, देखा था डमरू एक तरफ बत्ता है कि दो तरफ बत्ता है, हैं तो ऐसा बजाते थे ना शिव भगवान डमरू, ऐसे बताते ना कुछ सीरियलों वगैरह में, तो कि वो डमरू किस लिए रखते थे, वो दोनों पक्ष में एक तरह से रहो, कौन से अलग ना रहो, हाँ तो के उनके अंदर मैं ही बैठा हूँ इस तरह रहने का, और आपको रहने का के उनके अंदर मैं ही बैठी हूँ, ऐसे जब रहेगा तो समझने का डमरू आपका बच गया। और आगे है अपना जो ये व्यवहार चल रहा है वो व्यवहार है, और अंदर भगवान की पहचान हो जाए ऐसा भाव व्यवहार के साथ साथ में रहने का, तो उसको डमरू बजा, दो ही तरफ आप आराधना कर रहे हैं, व्यवहार छूट रहा है और उसकी आराधना हो रही है, वो छूट रहा है उसकी आराधना हो रही है, दोनों तरफ से बैलेंस रहना चाहिए, व्यवहार और भगवान का जो कार्य कर रहे है वो बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन वो बैलेंस नहीं रहता है हमारा, समझ में आता है, ये बैलेंस रहे तो शिव भगवान खुश हो जाते हैं, ये बैलेंस नहीं है इसलिए कितना भी दूध चढ़ाओ बिली चढ़ाओ लेकिन शिव भगवान खुश नहीं होते, बैलेंस नहीं है तब तक, व्यवहार और निश्चय दोनों का बैलेंस होना चाहिए, समझ में आती है बात, हम व्यवहार में पढ़े तो व्यवहार में पढ़ते हैं, भगवान में पढ़े तो भगवान में, लोग बोलते हैं कितना बैठे रहते हैं भगवान के पास, हमारा तो कुछ ध्यान रखो, ये भगवान का ही ध्यान रखेंगे, भगवान का ध्यान रखने वाले तो सारी दुनिया है लेकिन आप एक ही है मेरे ध्यान रखने वाले, इसलिए मैं हमारा भी कुछ ध्यान रखो ना, ऐसा बोलना नहीं पड़े तो ऐसा बोलना पड़े तो आप जीवे,
ऐसा नहीं बोलना पड़े तो समझ लगा आप शिव होते गए। ये शिव बनने की तरकीब बताता हूँ, कैसे शिव बना जाता है। इसलिए भगवान इस तरह शिव बने, सभी मनुष्य ही होते हैं भगवान और ऊपर से नहीं आते हैं, समझे। सभी माँ का पेट में से ही जन्म होता है सबका, लेकिन भगवान क्यों बोले जाते हैं तो भगवान के रूप में वो रहते हैं। इसलिए भगवान के जो गुण होते हैं, भगवत गुण होते हैं, इसमें रहते हैं वो। तो कि भगवत गुण कौन सा, तो कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो, तो सबसे बड़ा भगवत गुण है। क्या है? सबसे बड़ा भगवत गुण है, समझ में आया। इसलिए ऐसे भगवत गुण प्राप्त करते हैं वो भगवान बन जाते हैं, समझ में आया। समझ में आती है बात, धीरे धीरे के जल्दी से आती है। एकदम तो नहीं आएगी ना। हाँ, कोई बोलते हैं कि हमारे अंदर अक्ल नहीं है तो तुरंत बात समझ में आ जाती है। नहीं आती है। कैसे आएगी? कैसे? तो एक दो बार बोलेगा तो उसको समझ में आएगा। और आपको नहीं, तो नहीं आएगी। और आपको कोई बोलेगा कि आप बहुत अच्छे, तो तुरंत बात समझ में आ जाती है। नहीं समझेगा। सब समझ जाते हैं मैं अच्छी हूँ, ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं लगता ऐसा मैं अच्छी हूँ? है तुरंत बात समझ। वो तो बोलेगा कि आप अच्छे, लेकिन अपन के मन के अंदर अपन को पता है कि हम कैसे हैं। फिर भी अच्छा तो लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा। इसलिए अंदर भावना होनी चाहिए कि जो बात भगवान की है मुझे समझने की है, तो अपने आप अंदर के आवरण टूटे जाएंगे। अंदर आवरण, अंदर सब समझ पड़ी हुई है हमारे अंदर, हमारा दर्शन भी शुद्ध है, लेकिन अंदर आवरण के कारण हमें जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। क्या है? कोई कहता है, कोई बोलता है, कुछ करता है, तो हमें जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे अंदर कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। जैसे बाहर सूर्यनारायण भगवान होते हैं, वो बादल छा जाते हैं तो वो नीचे तो होते हैं ना, फिर भी नहीं दिखते हैं ना, तो क्यों नहीं दिखते हैं? बादल की वजह से नहीं दिखता है। तो क्या हमारे ऐसा बहुत सारे बादल रखे हुए अंदर, कैसे बादल रखे हुए हैं? ऐसे ही आ जाते हैं। आ जाते नहीं, अपने आप नहीं आता है, हम रखते हैं। क्या करते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम वक्ताराम। तो कि मैं वक्ताराम हूँ ऐसा बोला तो अंदर लेयर आ गया अपने आप, ये मेरी वाइफ है लेयर आ गया, ये मेरे बच्चे हैं लेयर आ गया। बाहर से बोलने का अंदर से नहीं होना चाहिए, ये तो अंदर बाहर दोनों होते हैं, इसलिए आवरण आते हैं। बाहर होते तो आवरण नहीं आते हैं, बाहर ऐसी समझ होती है तो आवरण नहीं आते, लेकिन अंदर उसको सच मानकर चलते हैं तो आवरण आते हैं। समझ में आया? क्या आया? कि भाई जो बाहर है वो अंदर मानते हैं तो आवरण आते हैं, और जो बाहर है उसको वो भाग को बाहर ही रखना, और अंदर जैसी समझ है ऐसी यथार्थ समझ रहना तो आवरण नहीं लगते है, समझे। ये आवरणों की वजह से हमारे अंदर भगवान होते हुए भी इसका अनुभव हमें नहीं होता है। भगवान तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर है वो पता नहीं है, इसलिए मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां भगवान प्रकट हो चुके हैं, अंदर भगवान प्रत्यक्ष हो चुके हैं, अंदर के भगवान की अनुभूति उनको हो चुकी थी, इसलिए हमें भी अनुभूति हुए, इसलिए हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं कि मेरे अंदर भी भगवान प्रकट हो जाए। फिर भी हम भगवान के पास जाते क्या मांगते हैं? भगवान होने का मांगते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हो और दर्शन करते हो तो क्या मांगते हो? बोलो, जो भी आता बोलो ना, जो मांगते तो हो गए कुछ ना कुछ। हमें पता नहीं है तो बाहर की चीजें भी चीज मांगेंगे, हैं? जैसे परिवार अच्छा नहीं चलता बोलेंगे भगवान को जरा परिवार अच्छा चले तो अच्छा है। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो ऐसे जरा उसको सद्बुद्धि दो तो अच्छा है। मेरे में सद्बुद्धि नहीं आएगी चलेगी, लेकिन इसको सद्बुद्धि दे दो। क्या होता है? ऐसा ही होता है ना। तो भगवान के पास ऐसा मांग लेते हैं, भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ और है,
आप जो जो मांगते हो वो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है वो मांग लोगे तो उसके अंदर सब चीज आ जाती है, समझे। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग जो उसको दिमाग में आता है, लोगों ने जैसे सिखाया है वैसे लोग मांगते हैं और पूरा जीवन खत्म हो जाता है। भगवान जीवित रूप में जब मिले तब हमारा कायम का काम हो जाता है, भगवान जीवित के रूप में। जैसे राम भगवान हाजिर थे, कृष्ण भगवान हाजिर थे, महावीर भगवान हाजिर थे, ऐसे जो जीवित मिल जाए तो हमारा काम कायम का हो जाता है। ये जन्म मरण के चक्कर में से छुड़वा दे हमें, क्या करते हैं, जन्म मरण के चक्कर में से छुड़वाए वही जीवित भगवान होते हैं, नहीं तो संसार बढ़ता जाता है। अंदर जैसे जैसी भावना होती है वैसा संसार बढ़ता जाता है। जैसे भगवान के पास आप तय करोगे कभी जो मिले हैं अच्छे नहीं है तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा, आपका ही किया हुआ मिलता है सब, जो मिलता है कोई देने वाला नहीं है, कि भगवान भी नहीं देता है, कोई व्यक्ति भी नहीं देता है, आपने अंदर जैसा विचार किया है, भावना किया है, इसका ये परिणाम आया हुआ है। और हम अभी चिल्लाते हैं ऐसी वाइफ मुझे क्यों मिली, ऐसे बच्चे मुझे क्यों मिले, ऐसी सास मुझे क्यों मिली, चिल्लाते रहते, आपने मांगा हुआ है वही आपके आँख के समक्ष आया हुआ है, इसलिए भगवान ने बहुत बताया उसको स्वीकार करना, वो जहर पिया बराबर है, क्या है। तो शिव भगवान खुश हो जाएंगे, ज्यादा डमरू बजाएंगे, नृत्य करेंगे आपके सामने, क्या करेंगे, हाँ कि मेरे जैसा अभी होने लगा हो, क्या भगवान ऐसे खुश होते हैं। भगवान कुछ चढ़ावा चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते हैं, वो प्रसाद धराने से, प्रसाद खिलाने से भगवान खुश नहीं होते, पुजारी खुश हो जाते हैं प्रसाद धराते हैं तो। कई कई भेंट वगैरह रखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे आए अभी रखेंगे, लेकिन भगवान भगवान के पास आपने ये तो स्थूल चीजों का त्याग किया, आपने क्या किया, लेकिन अंदर जो लोगों के लिए अंदर बुरा बुरा चल रहा है वो त्याग करने का है भगवान के पास। कैसी बुराइयां मेरे अंदर से भगवान नहीं निकले तो भगवान खुश हो जाते। भगवान ने बताया कि आज अच्छा प्रसाद धराया आपने, क्या बोलेंगे, आज अपने अच्छा प्रसाद धराया, अभी तक तो वो पेड़ से खुश करने जाते थे, माला चढ़ा के खुश करने जाते थे, दूध चढ़ाने से खुश होने जाते थे, भगवान बोलते मुझे दूध चढ़ाने का। इसलिए भगवान की जो आज्ञा में रहते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान ने जैसा बताया वैसा ही करोगे तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो दादा भगवान खुश होते हैं तो क्या करते हैं हमारे लिए है? अगर भगवान को हमने खुश किया तो वो हमने हमारे लिए क्या करते हैं? भगवान खुश होना मतलब हमारे अंदर भगवान है वो खुश होना चाहिए, क्या अभी तो ये बाहर का भाग खुश होता है हमारा, क्या हर एक चीज़ों में भगवान को लेना देना नहीं ये चीज़ों के, और ये इसके लिए सब चीज़ करते हैं, भगवान के लिए क्या करते हैं, भगवान के कानून का पालन करते हैं हम, दादा ने बताया पांच आज्ञा में रहने का, इसका पालन करते हैं, और ये बोले कि मुझे ये खाना है तो हैं खिलाए थे तो वो खुश होएगी, भगवान खुश नहीं हुए, भगवान बोलते उससे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो आप मैंने मेरे बताए ऊपर राह पर चलेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो कैसे खुश होगा, तो क्या दूसरों के अंदर भगवान देखेंगे तो खुश हो जाएंगे भगवान अपने अंदर के। तो हम अभी नमस्कार विधि में नमस्कार करते हैं ना सभी भगवान को, तो नमस्कार करते हैं तो क्या करें? नमस्कार करने से उसके अंदर जो गुण है हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, अच्छे अच्छे गुण होते हैं भगवानों के, ये सभी भगवानों के गुणों को नमस्कार है, क्या है, कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, समझे, ऐसे गुण जिन्होंने प्राप्त किया है उनको मेरा नमस्कार है, समझे, ये सभी भगवानों की पोस्ट है, क्या है, पोस्ट, और हम पोस्ट को नमस्कार करते हैं, ऐसे गुणों की हम भजना करते हैं। शरीर तो छूट जाता है, भगवान होता है इसका भी शरीर तो रहने वाला नहीं है, लेकिन अंदर जो गुण उन्होंने प्राप्त किया है, किसी को दुख देने का नहीं गुण है, क्या है, किसी को दुख देने का नहीं है, कोई अपमान करे तो इसको भी पी जाते हैं,
कुछ भी होता है ऐसा उल्टा सीधा, वो सब पी जाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं आपके अंदर बैठे हुए। क्योंकि खुश होने का मतलब क्या, तो के संसार से इतने छूट गया, क्या वो खुश, भगवान ऐसे खुश होते हैं कि इतना आप संसार से छूट गए। आप संसार से छूटते हैं ना तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से छूटना क्या करने का, संसार ऐसे निकल के भावानी हो जाने का है। संसार छोड़ने का मतलब क्या, अंदर भावना होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। संसार तो ये तो गलतियों का परिणाम है, क्या है, अच्छी या बुरी गलतियों का परिणाम है, समझे। अच्छी गलती की है तो सुख मिलेगा, बुरी गलती की है तो दुख मिलेगा, लेकिन संसार मिलेगा। जब अच्छी गलती और बुरी गलती नहीं होगी तब मुक्ति होगी आपकी। इसलिए भगवान के पास आप जितने जितने मुक्त होते जाते हैं वो दिन प्रतिदिन इतने अपने अंदर भगवान खुश होते हैं कि अभी मैं जंजाल में से छूट रहा हूँ, इसकी खुशी होती है। क्या होती है, छूट रहा हूँ, ये पूरी जंजाल है। भगवान को पूरे दिन साथ साथ में उसके साथ घूमना पड़ता है, जहाँ जाते हो, शादी में जाते तो भगवान को भी शादी में आना पड़ता है अंदर बैठे हुए, श्मशान में जाते तो भगवान को भी श्मशान में आना पड़ता है। भगवान को तो बहुत लव लगती है इसकी, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं छूट जाओ इस सब लपों से। इसलिए भगवान अंदर खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इसलिए जितना जितना अज्ञान पड़ा हुआ है वो अज्ञान निकलता जाएगा, तो वो सबसे बड़ी शिवरात्रि है, शिव भगवान की रात्रि। अंदर जो रात्रि है, अज्ञान है, वो खत्म हो गया और शरीर स्वरूप में जो हाजिर है वो शिव भगवान होते हैं। शिव भगवान ने कौन सा तांडव किया था बोलते हैं शिव भगवान तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य क्यों करते हैं वो, क्योंकि संसार की झंझट से जितना छूटते जाते हैं ना वो नाचते जाते हैं, मैं संसार से छूट रहा हूँ, मैं संसार से छूट रहा हूँ, ऐसा करके आनंद आता है। जितना आप संसार से छूटते जाओगे ना इतना आनंद आएगा, नहीं तो मुंह पर है खुशी भी नहीं दिखेगी। खुशी होगी इसके मुंह पर भी खुशी नहीं होगी, क्या होती है। इसलिए दिन प्रतिदिन हमारे अंदर खुशी बढ़नी चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए, तो समझने का भगवान के पद परम है, क्या नहीं तो हम संसार के पद पर है। या तो दिन प्रतिदिन खुशी घटती जाती है संसार में, क्या होती है, जैसे जैसे शादी बनाते हैं शुरू शुरू में भी अच्छी लगती है, सब सुनते हैं शादी बनाते, तब बाद में जैसे जैसे समय जाता है ना सुनने का कम हो जाता है। क्या होता है, एक कान थोड़ा है, वो डालते हैं अंदर सुनने के लिए, तो कान भी बहरे हो जाते हैं। क्या होते हैं, बाद में बीबी तीन बार बोलती है तब सुनते हैं, पहले तो क्या बोल रही है वो सुनने के लिए तड़प रहे थे, क्या होते हैं ये सब चला जाता है धीरे धीरे धीरे, सब ऐसा हो जाता है। इसलिए इसको भौतिक सुख बताया, भौतिक सुख अंत में दुख वाला हो जाता है। क्या होता है, ये बाहर का सुख अंत में दुख वाला हो जाता है, कोई भी हो। जैसे आपने मंगलसूत्र पहना है, आज नया लाएगा तो बहुत आनंद आएगा, और जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा इसकी थोड़ी फैशन बदल दी जाएगी, इसका क्या बोलते हैं मॉडल बदल दे जाएंगे तो आपको होगा, नया मॉडल आ जाए तो अच्छा है। लेकिन पति बोलेगा ये मैं जो मॉडल हूँ तो वही मॉडल रहेगा, ये मॉडल बदल जाएगा क्या लेकिन मैं जो मॉडल आपको मिला हूँ वो मॉडल वही रहेगा, बाकी का सब मॉडल चेंज कर सकता हूँ लेकिन ये मॉडल चेंज नहीं जीते जी तो नहीं होते है ना नहीं होता है, हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं, क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। जो आप करना चाहते हैं वो हो सकते हैं, वैसे स्थूल रूप में नहीं होते लेकिन भावना से तो हो सकते हैं, भावना से हो सकते हैं। हाँ, भावना से। और भगवान भाव के भूखे होते हैं, क्या बताया हमने, भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जैसी जैसी अंदर भावना चलती है ना वो रूपक में आती है। ये पूरा हमारा जीवन है वो भाव का ही परिणाम है, क्या है। इसलिए ऐसा बताया गया हुआ है जैसा भाव वैसा भव, समझ में, जैसा भाव वैसा भव बताया गया है। तो क्या भाव अंदर होता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, अंदर चलता है, क्या होता है। आपको ज्यादा काम दे देंगे ना बाहर जाएंगे तो आप ज्यादा काम देंगे, ये लेकर आना तो अंदर हो जाएगा क्या। पूरे दिन आप क्या करते हो तो मुझे बताते हैं, जगह ऑफिस से आते हैं समय वो लेते आना अंदर बिगड़ेगा, लेकर तो आएंगे, समझे
लेकिन अंदर, हाँ अंदर पसंद नहीं आएगा, इसलिए अंदर बिगड़ता है, उसको भगवान ने बताया सुधार लो, तो शिव भगवान अंदर व्यक्त होते जाएंगे, अंदर जितनी जितनी गलतियाँ होती है वो सुधार लेते हैं, तो भगवान अपने आप प्रकट होते जाते हैं। ये गलतियों के कारण भगवान प्रकट नहीं होते हमारे अंदर, जितनी जितनी गलतियाँ निकलती जाती है भगवान धीरे धीरे दिखते हैं, इसलिए भगवान का अनुभव करना वो ये मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ प्रयोग है, श्रेष्ठ प्रयोग मनुष्य जन्म में हो सकता है ऐसा है। इसलिए अंदर के जितने जितने अज्ञान पड़ा हुआ है वो अज्ञान ही हमें दुख देता है, कोई व्यक्ति दुख नहीं देती है। कौन सा अज्ञान दुख देता है कि मुझे चिल्लाती रहती है, मुझे चिल्लाते वो अज्ञान है, वो चिल्लाती नहीं है व्यवस्थित शक्ति चिल्लाती है, वो ज्ञान है। क्या है? थोड़ा ज्ञान साथ में रखने का। जैसे हम जाते हैं तो नाश्ता साथ में रखते हैं ना, स्कूल में जाते हैं तो एक ज्ञान को भी साथ में रखने का। क्या करने का? जैसे वो जैसे भूख लगती है तो नाश्ता कर लेते हैं ना, हैं कैसे कर लेते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, इस तरह जैसा ऐसा संजोग आए सब साथ साथ में ज्ञान का इस्तेमाल कर लेने का, समझे? तो हम बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, फ्रेश, और भगवान एवर फ्रेश होते हैं। क्या होते हैं? कैसे भी संयोग आते हैं लेकिन भगवान एवर फ्रेश होते हैं, कैसा भी संयोग आए। इसलिए जितना जितना हम फ्रेश होते जाते हो इतने इतने भगवान खुश हो जाते हैं। अंदर भगवान है वो, बाहर के भगवान नहीं, अंदर के भगवान, भगवान अंदर के भगवान की ही कीमत है। वो तो हो गए मुक्ति पागी उन्होंने तो, राम भगवान ने तो क्या 10,000 साल हो गए, इसलिए इसकी मुक्ति बाकी है अभी। क्या है? इसलिए अंदर भगवान को प्रार्थना करते जाओ कि आप भगवान मेरे अंदर तो हो लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं है, तो इसका अनुभव पहले हो जाए और अनुभव होने के बाद मैं आपके साथ में रहूं, जैसे वाइफ के साथ में रहते हो वैसे आपके साथ में रहो, वाइफ के साथ में भी रहूंगा और आपके साथ में भी पूरे दिन रहूंगा, तो वाइफ भी खुश भगवान भी खुश। बोलते नहीं है सुनीता जी? बोलते नहीं है? बोलो ना, दोनों खुश हैं, वाइफ को साथ रहता खुश हो जाते हैं, है? नहीं तो वो शादी बदलेगा क्या, आप लास्ट में मिलना मुझे, वो अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, लास्ट में जाने के बाद फोन करते कहाँ हो जी, क्या बोलेंगे, यहाँ हूँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ आ जाओ, बाद में साथ घर आते हैं। साथ में रखने का, क्या अंदर से अलग नहीं करने का, बाहर से थोड़ा अलग तो रहता ही है ना, आप जॉब पर जाते हो क्या काम पर जाते हो तो वाइफ को अलग तो रखना पड़ता है, लेकिन अंदर से रहना चाहिए, अंदर से वाइफ है ऐसा रहता है तो दूसरी जो मिला इसके साथ बरोबर रहो, आराम से रहो, तो भगवान बोलेंगे मुझको कोई दिक्कत नहीं है, उन जो मिले हैं उनके साथ में नहीं रहे तो मुझे दिक्कत है। क्यों, कैसी दिक्कत है? तो आपकी मुक्ति जल्दी नहीं होगी, आपको और गति में जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं भगवान? इसलिए भगवान बोलते हैं ऐसा होता है तो थोड़ा थोड़ा सुधार लो, जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते गलती हो जाती है बोलते हैं भाई फिर से नहीं करना, गलत सुधार लो ना यार, एक बार माफी मांग लो, एक बार क्या बोलते हैं सॉरी बोल देते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हाँ भाई अभी अपना काम करो जाओ, क्या बोलते हैं? हाँ एक बार किसी ने हमें बताया ना गलती तो बोलने का, भाई अच्छा हुआ मुझे माफ कर देना मेरी गलती है, बाद में जो भी मांगना है वो मांगो, जब ये क्या है क्या है, वो क्यों खड़ा होता है बाद में, क्योंकि हमारे बाद में ज्ञान बाजू पर रह जाता है और साथ में बुद्धि काम करने लगती है, और बुद्धि को मंजूर नहीं होता है कि जो बताते हैं वो हमें मंजूर नहीं होता है, इसलिए वो बुद्धि बोलती है कि मेरी गलती क्या है वो बताओ, वो बताओ, वो बताओ, वो बुद्धि बोलती है, और ज्ञान होता है ना साथ में, ज्ञान शांत कर देता है, जो जो हो गया वो न्याय है। क्या है? उसको भूल जाए। हाँ उसके बार बार वो सामने नहीं आता है, नहीं तो बुद्धि होती है तो बार बार सामने आएगा, नहीं मुझे बताओ मैंने क्या गलती की कैसी गलती की, वो सब बुद्धि बताती है, बुद्धि नफो नुकसान देखती है, क्या करती है हर एक चीजों में नफो नुकसान देखती है बुद्धि, समझे? जैसे हम घर में बड़े हैं, हमसे छोटा भाई है और बड़ा बड़ा ही हो गया है,
लेकिन उसकी तनख्वाह कम होती है और आपकी ज़्यादा होती है, तो उनको लगेगा तो देखो ना हमारे ऊपर भी ये चल रहा है सब, क्या है ऐसा अंदर होता है। उसका तो पुण्य है ना, तभी उस थोड़ी तनख्वाह में उसका चल रहा है ना, उसका पुण्य है क्या है, और आपको पाप है ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसा एडजस्टमेंट अंदर रहना चाहिए, तब अंदर दूसरों के लिए बिगड़ेगा नहीं और हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ हिसाब खत्म होता जाएगा, लेना देना कर्म इसके साथ जो है वो खत्म होता जाएगा, नहीं तो वही वही का वही खड़ा रहेगा, दूसरे जन्म में भी साथ में आएगा वो। ये जन्म ही हमें मंजूर नहीं है तो दूसरे जन्म की क्या बात करने की, ये जन्म में भी कंटाल गए हूँ क्या है, कोई किसी को खुशी है चलो बताओ जीते जीते, किसी को नहीं है, ऐसा ही जी रहे हैं, ये तो संसार है ना चलता रहेगा, ये बर्तन है तो खगड़ते जाएंगे, हम थोड़े बर्तन है यार है, बर्तन तो खगड़ते खगड़ते भी शांत हो जाता है थोड़ी देर के बाद, नहीं बर्तन होते करते शांत हो जाता है ना, लेकिन ये बर्तन तो पूरे दिन खगड़ता रहता है, इसने ऐसा किया था इसने ऐसा बोला था उसको भान नहीं है, बर्तन खगड़ते ही रहते पूरे दिन। तो भगवान बोलते हैं ये अज्ञान मान्यताओं को हमें निकालने का है, ये अज्ञान मान्यता जितनी निकलती जाती है तो अपने अंदर भगवान खुश हो जाते हैं, समझे, समझ में आया क्या आया बोलो ना, जो भी थोड़ा थोड़ा बोलो, जैसे जैसे भगवान की आरती करते हैं हमें नहीं आती, थोड़ी थोड़ी ऐ करते हैं ना, नहीं इसलिए अपने अंदर जो भगवान है इसकी अनुभूति करने के लिए और अंदर जो फंसे हुए हैं भगवान इससे मुक्त होने के लिए हमारा ये पूरा जीवन हम जी रहे हैं। ये जीवन जितना अच्छी तरह से जिएंगे, किसी के साथ आंटी नहीं पड़े उसको क्या बोलते हैं, किसी के साथ है किसी के साथ बैर नहीं बने, किसी के साथ गांठ नहीं बने, ऐसे जीवन जी जाओ तो भगवान खुश हो जाएंगे अपने अंदर भगवान। सभी भगवान इस तरह बाहर निकले, जब ऐसे ऐसे संयोग आते थे भगवान के सामने तो भगवान ने अंदर कुछ बिगाड़ा नहीं उनको, मुझे वन में जाने का है ऐसे ऐसे करके छूट गए, कर्म भी छूट गया और जो कई कई माता थी वो भी खुश हो गई, दोनों खुश, दो फायदा हो गया, उसके साथ हिसाब था वो छूट गया, हमारा भी ये कर्मों से छूट गया और भगवान मुक्त हो गए। ट्रिपल धमाका, कितना ट्रिपल धमाका बताया, हाँ का उन्होंने पालन किया और भाव नहीं मिलेगा वो तीसरा, ऐसी समझ से भगवान ऐसी समझों के साथ जीवन जी गए और जीवन से बाहर निकल गए और मुक्त हो गए। ऐसी समझ के बिना कितनी भी क्रिया करेंगे आप छूटे नहीं, छूटे ना समझ नहीं है, समझ नहीं ली है, समझ नहीं होती है, फिर हम भी अंदर क्या होते हैं तो क्या बोलते हैं जंजाल में पड़ जाते हैं, और भगवान ही जंजाल में पड़ने नहीं चाहते हैं, भगवान बोल पड़ेगा उस सबसे आत्मा के अलावा जो भी नहीं तो नहीं आता, ये होटल का विचार भी नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा आएंगे नहीं थोड़ा निकालो ना इस अंदर भगवान शिव भगवान के लिए समय निकालो तेरा करके चलो नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम सव्वपावप्पणासनो वासुदेवाय ठीक है सर, कल इतना ही 8:30 बजे रखेंगे।